हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल इस्टेट में। हम आ गए एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा 40 के रेजिडेंशियल सेक्टर P4 के बारे में। P4 सेक्टर बिल्कुल आपके P3 सेक्टर के साथ लगा हुआ सेक्टर है। अगर आप P4 की लोकेशन की बात करें तो इसके नियर में आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ देखने को मिलेगी। WHO सोसाइटी, जलवायु विहार और भी बहुत इस तरह की सोसाइटीज़ इसके नियर में आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा सेक्टर है, P3 के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, तो P3 की कनेक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है, उसी की कनेक्टिविटी का बेनिफिट, उसी की सारी फैसिलिटीज़ का बेनिफिट आप समझ सकते हो इस सेक्टर को भी मिलेगा। फ़र्क यहाँ पर साइजेस का आ जाता है। अगर मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से परी चौक मात्र 2.5 किलोमीटर में आप कनेक्ट कर सकते हैं। नियर के मेट्रो की बात करें तो 2 स्टेशन मेट्रो के आपको इसके नियर में मिल जाएंगे। पहला तो नॉलेज पार्क 2 का, दूसरा मिलेगा आपको परी चौक का। नॉलेज पार्क 2 वाले की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में आप कनेक्ट कर सकते हैं। परी चौक की बात करें तो लगभग 2.5 किलोमीटर के ही आसपास में उसे आप कनेक्ट करेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर में आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कनेक्टिविटी आपकी बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद बात करें अगर इसके नियर की फैसिलिटी की, तो नियर में आपको यहाँ से यथार्थ हॉस्पिटल मिल जाएगा 500 मीटर की डिस्टेंस पे। यहाँ से बात करें ग्रैंड वेनिस मॉल की, तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप उसे भी इजीली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लगभग यहाँ से आपको डिस्टेंस में पड़ेगा 8 किलोमीटर के आसपास, तो उसका डिस्टेंस यहाँ से अभी दूर में आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। बट आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी सेम होने वाली है, वो इस वजह से क्योंकि उसका इंटरचेंज पर काम चल रहा है। जैसे ही इंटरचेंज बन के तैयार हो जाएगा तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से आसान हो जाएगी एक तरह से कह सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स इसके नियर में चल रहे हैं आज के टाइम में, रनिंग में है। उसके बाद बात करी जाए यहाँ पे साइजेस की, अगर हम बात करें तो साइजेस आपको यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर का, 100 स्क्वायर मीटर का, 200 स्क्वायर मीटर का और 300 स्क्वायर मीटर का, इस तरह से अलग अलग साइजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यमुना प्राधिकरण का दफ्तर भी यहाँ से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस तरह से सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको नियर में देखने को मिल जाएगी। मीन्स काफ़ी सारा रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ है, तो पूरा ही एरिया रेजिडेंशियल के लिए ही एक तरह से आप कह सकते हैं। नियर में ग्रीन मार्केट भी है, थोड़ी ही दूरी पे मान के चलिए मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे एक्सपो मार्ट भी देखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल नियर में आ जाता है। तो कहने का मतलब है इस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। साइजेस मैंने आपको बताए हैं 60, 100, 200 और 300 मीटर के। 60 मीटर लगभग मान के चलिए अगर हम स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो आपको 1 CR के आसपास से स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है 60 मीटर की। उसके बाद बात करते हैं अगर 100 मीटर की, तो मान के चलिए 1.25 करोड़ रुपए के आसपास से 100 मीटर की भी स्टार्टिंग हो जाती है। स्टार्टिंग प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर कोई कंफर्म प्लॉट आएगा, आप इनफैक्ट आपकी क्वेरी निकलती है इस वीडियो को देख के और आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं आपको एक टेंटेटिव रेट बता रही हूँ। इस रेट से आसपास में ही आपको डील मिल जाएगी, बट ये क्योंकि ये एक टेंटेटिवली रेट है, मार्केट में जो डील आ रही है वो डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन कंडीशन, किस तरह की आ रही है, कुछ बनी हुई है या किस लोकेशन की है, कोई पार्क है, कॉर्नर है, तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती है, तो रेट वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करेगा। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग प्राइस आप इसको मान के चल सकते हैं। बात करें 200 स्क्वायर मीटर की, तो लगभग 2.2 करोड़ रुपए के आसपास से स्टार्टिंग प्राइस आप मान सकते हैं इसका। और 300 मीटर का आपको लगभग मान के चलिए 3 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए के आसपास स्टार्टिंग प्राइस है, तो लगभग इस रेट के आसपास से यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, P3 सेक्टर के साथ लगा हुआ है। P3 सेक्टर भी अपने आप में फुली डेवलप सेक्टर है। नियर में आपको बहुत अच्छा एक कह सकते हैं मार्केट प्लेस भी मिल जाता है आपका ये ग्रैंड वेनिस मॉल के तरह, और दूसरा फिर आपको सामने यथार्थ हॉस्पिटल के बगल में बिल्कुल बहुत बड़ी ग्रीन मार्केट है, वो भी बहुत यूजफुल होने वाली है अगर आप यहाँ पे रहने की कुछ प्लानिंग करते हैं, एंड यूज़ आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, प्राधिकरण का सेक्टर है, ट्रांसफर रजिस्ट्री करा के आप इजीली यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को भी ज़रूर आप एक बार कंसीडर करिए। डिटेल वीडियो इस सेक्टर की लेआउट और मास्टर प्लान के साथ मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना के रखी हुई है, आप उसे एक बार जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो मैंने आज के टाइम का रेट का अपडेट दे दिया आपको, आज के टाइम की ऑक्युपेंसी की बात
का लगभग 60% ज़्यादा ऑक्यूपाइड है ये आज के टाइम पे। तो आज के टाइम की फैसिलिटीज़ मैंने आपको इसकी बता दी है। यहाँ पे अगर आपकी प्लानिंग होती है परचेज़ करने की तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी और सेक्टर की रिक्वायरमेंट आती है, बजट को लेके कहीं पे कन्फ्यूज़न है कि एक आपका बजट है और उसके आसपास में आपको कहाँ चीज़ें मिल सकती, इस तरह के कोई भी डाउट है या कोई और क्वेरी निकल के आती है जो आप यहाँ पे कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं लोकेशन के बारे में एक तरह से देख रहे हैं और आपको कहीं पर कुछ डाउट रह रहा है, तो आप हमारी नंबर्स पर कॉल करके हमसे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।